लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने शनिवार को शहर के रविंद्र भवन स्थित स्वराज भवन दीर्घा में कार्टूनिस्ट इरफान की पर्यावरण बचाओ कार्टून प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी 24 फरवरी तक आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी। मंत्री पीसी शर्मा ने प्रदर्शनी में कार्टून्स देखे और इरफान के प्रयासों की सराहना की। मालूम हो कि कार्टूनिस्ट इरफान मूलतः ग्वालियर के रहने वाले हैं और करीब 32 सालों से कार्टूनिस्ट की दुनिया में अपना हुनर दिखा रहे हैं। स्वराज दीर्घा में सांस्कृतिक संचालनालय के बैनर तले लगी उनकी 3 दिवसीय प्रदर्शनी में पर्यावरण चेतना से संबंधित 30 रंगीन कार्टून और कट आउट लगाए गए हैं, जिनको देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ज्ञात हो कि कार्टूनिस्ट इरफान चुनावी नतीजों के समय टीवी स्क्रीन पर लाइव कार्टून प्रस्तुत करने के लिए भी जाने जाते हैं और चुनाव आयोग के वोटर अवेयरनेस और बेटी बचाओ अभियान पर बेहतरीन कार्टून की प्रस्तुति दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। 30 कार्टून से जी। कौन कौन से कार्टून से इसमें शामिल किए गए हैं? इसमें सारी पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी हैं, क्या वायु प्रदूषण है और पानी के बारे में और कूड़ा है, कचरा है, प्लास्टिक है, सबके बारे में कार्टून से। आप लाइव कार्टून के लिए जाना चाहते हैं, चुनाव के दौर में आपने कई लाइव कार्टून बताए, दुनिया आपको नाम से मशहूर है, ग्वालियर से जी जी ताल्लुक रखते हैं जी। भोपाल में आपने काम किया पहले? भोपाल में हाँ, कुछ दिन काम किया था मैंने भोपाल में जी जी। उसके बाद में मैं चला गया था वापस ग्वालियर। और वो बेटी बचाओ बेटी अभियान पे आप जी जी 2010-11 में मैं इधर आया था तो बेटी बचाओ पर कार्टून एग्जीबिशन मैंने। 32 बरस से आप कार्टून बना रहे हैं, अभी तक मतलब कौन सा कार्टून सबसे बेहतर आप बनाए, किस विषय के ऊपर सबसे अच्छे कार्टून आप कह रहे हैं? अब तो मुझे भी याद नहीं आता है कि कितने कार्टून बन चुके हैं, तो हर दौर में हर अच्छे कार्टून भी बनते हैं, तो सबके अलग अलग टाइम के कार्टून। आज का बदलता हुआ दौर है, वो एक कार्टूनिस्ट के लिए क्या चुनौती है? आज के बदलते दौर में कार्टूनिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज है। मुझे नहीं लगता कि मेरे होश में अभी तक कोई ऐसा टाइम आया होगा जब कार्टूनिस्ट के लिए इतना चैलेंजिंग टाइम रहा होगा। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।